नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। कोरोना पीरियड में घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन जो है क्लास करते रहिए और पढ़ते रहिए। आज हम लोग मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति शुरू करेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर आप लोग देखेंगे एंगल्स एंड देयर मेजर, कोण और उसके माप। तो चलिए शुरू किया जाए इस चैप्टर को। देखिए, कोण के माप की दो विधि होती है। एक पॉजिटिव डायरेक्शन में भी कोण को मापा जाता है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में भी कोण को मापा जाता है। यदि यह लाइन ऐसे अगर कोण को मापेंगे तो यह आपका पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, लेकिन यही कोण अगर ऐसे बनता है, यहां से ऐसे मापते हैं आप इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव डायरेक्शन कहते हैं। माने ऊपर की तरफ ऐसे राउंड में घूमिएगा तो यह आपका पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। आप ऐसे मापिएगा इस डायरेक्शन में तो यह डायरेक्शन जो होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी का विपरीत दिशा। और यह डायरेक्शन जो ऐसे जो होता है वह क्लॉकवाइज होता है, घड़ी की दिशा। तो यह आपका नेगेटिव डायरेक्शन है और यह डायरेक्शन जो होता है वह पॉजिटिव डायरेक्शन होता है कोण के मापने की। ये तो बात जो है हम लोग सीख गए होंगे। अब देखिए, कोण की माप जो होती है, एंगल की माप जो होती है, वह तीन विधियों से की जाती है। देयर आर थ्री मेथड देयर आर थ्री मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोण के माप की, कोण के माप की तीन विधियां होती हैं। तीन विधियां होती हैं। पहला विधि जो है सेक्साजेसिमल सिस्टम होता है। सेक्साजेसिमल सिस्टम होता है। इस विधि को हम लोग षटदशांशक पद्धति कहते हैं। षटांशक पद्धति, षटांशक पद्धति हम लोग कहते हैं। एक होता है सेंटीसिजिमल, सेंटीसिजिमल सिस्टम, सिस्टम इसको हम लोग शतांशक पद्धति कहते हैं। शतांशक पद्धति। और तीसरी विधि होती है सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम को वृत्तीय पद्धति कहते हैं, वृत्तीय पद्धति। ये तीन विधियों द्वारा हम लोग कोण को, कोण का माप करते हैं। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब आपको आगे बात बताते हैं। तो देखिए, हम लोग यहां देखें क्या कि कोण के माप की तीन विधियां होती हैं। एक सेक्साजेसिमल होता है, एक सेंटीजेसिमल होता है, एक सर्कुलर सिस्टम होता है। अब समझिए इन तीन विधियों में कैसे कैसे हम लोग कोण को मापते हैं। मिटा देते हैं।
पहला हेडिंग बनाइए सेक्साडेसिमल सिस्टम, शतांश पद्धति, शतांश पद्धति। देखिए इस पद्धति को आप लोग जानते हैं, बैक में भी पढ़े हुए हैं कि एक राइट एंगल जो होता है, एक संपूर्ण जो होता है वह 90 डिग्री के बराबर होता है। माने डिग्री में जो कोण की माप हम लोग करते हैं उसी पद्धति को हम लोग सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। तो इन दिस सिस्टम इस पद्धति में वन राइट एंगल का मतलब संपूर्ण होता है, वन राइट एंगल जो होता है वह 90 डिग्री होता है। मतलब कि कोण को इसमें हम लोग डिग्री में मापते हैं। और एक बात, एक डिग्री जो होता है वह 60 मिनट के बराबर होता है। देखिए ऐसे देंगे ना जिसको मिनट पढ़ेंगे हम लोग, और एक मिनट जो होता है वह 60 सेकंड के बराबर होता है। दो गोलाई जैसे कमा जैसा दीजिएगा तो इसको हम लोग सेकंड पढ़ेंगे, इसको हम लोग मिनट पढ़ेंगे, ऐसे देंगे तो इसको डिग्री पढ़ते हैं। देखिए सेक्साडेसिमल सिस्टम में वन राइट एंगल जो होता है वह 90 डिग्री के बराबर होता है, और वन डिग्री जो होता है 60 मिनट के बराबर होता है, और वन मिनट जो होता है वह 60 सेकंड के बराबर होता है। अब कहा जाए कि वन राइट एंगल में कितने सेकंड होते हैं, इसी में कह दिया जाए कि वन राइट एंगल एक संपूर्ण में, एक राइट एंगल मतलब कि संपूर्ण में कितने सेकंड होते हैं। देखिए पहले तो वन राइट एंगल को डिग्री में बदल दीजिए तो 90 डिग्री हो गया आपका। अब डिग्री को आप लोग पहले मिनट में बदलिए, तो मिनट में बदलने के लिए इसको 60 से गुणा करेंगे, फिर मिनट को सेकंड में बदलने के लिए हम लोग और एक 60 से गुणा करेंगे, तो इतना आपका सेकंड के बराबर हो जाएगा एक राइट एंगल में। मतलब कि 3600 और गुणे 90 सेकंड के यह बराबर हो जाएगा। गुणा कर लेने का पूरा मान निकल जाएगा, एक राइट एंगल में इतना सेकंड होता है। नोट कर लीजिए इस बात को आप लोग। लिख लिए आप लोग इस बात को। दूसरा सिस्टम बनाइए सेंटीसिमल सिस्टम, शतांश पद्धति। नंबर टू में हेडिंग बनाइए सेंटीसिमल सिस्टम सिस्टम मतलब शतांश पद्धति। देखिए शतांशक में कोण को डिग्री में मापा जाता है, जबकि शतांशक में हम लोग कोण को ग्रेड में मापते हैं। जिसमें ग्रेड में मापा जाता है उसको हम लोग शतांशक पद्धति कहते हैं, सेंटीसिमल सिस्टम कहते हैं, और डिग्री में मापा जाता है उसको सेक्साडेसिमल कहते हैं, और सर्कुलर सिस्टम में हम लोग कोण को रेडियन में मापते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इन दिस सिस्टम इस पद्धति में वन राइट एंगल मतलब एक संपूर्ण जो होता है वह 100 ग्रेड के बराबर होता है।
देखिए ग्रेड सिस्टम की कहा जाता है, इसलिए कि इसको ग्रेड में मापते हैं। वो डिग्री सिस्टम था पहला जो था, 100 ग्रेड के बराबर होता है। ऐसे इसको लिखेंगे क्या, तो 100 का पावर ऐसे जी लिख देंगे, तो इसको हम लोग 100 ग्रेड पढ़ेंगे। इसके बाद में 1 ग्रेड जो होता है, देखिए 1 ग्रेड ऐसे लिखेंगे, 1 ग्रेड जो होता है वह 100 मिनट के बराबर होता है। ओके, 1 ग्रेड जो होता है वो कितने के, 100 मिनट के बराबर होता है। और 1 मिनट जो होता है इस पत्ती में वह 100 सेकंड के बराबर होता है। 1 मिनट जो होता है वह 100 सेकंड के बराबर होता है। 100 के रूप में यह विभाजित होता है इस पत्ती में जो होता है, नोट कीजिए इस बात। अब थोड़ा सा बात और समझिए, हम लोग कह रहे हैं इस सिस्टम में क्या होता है कि 90 डिग्री, एक समकोण को हम लोग 90 डिग्री कहते हैं। तो 90 डिग्री जो होता है वह 100 ग्रेड के बराबर होता है। एक रिलेशन थोड़ा सा निकाला जाए, देखिए तब बात को समझने में आपको आसानी हो जाएगी। एलवी में बात समझिए, देखिए 90 डिग्री जो होता है, 90 डिग्री वह 100 ग्रेड के बराबर होता है। अभी आपको बताए हैं एक समकोण बराबर 100 ग्रेड होता है, एक समकोण को 90 डिग्री कहते हैं, मतलब कि 90 डिग्री जो होता है वह 100 ग्रेड के क्या होता है, बराबर होता है। तो एक डिग्री कितने ग्रेड के बराबर होता है, तो 100 बटा में 90 कहेंगे ग्रेड के बराबर होता है। इतना ग्रेड के तो 0.0 तो आपका कट जाएगा, मतलब कि 1 डिग्री बराबर 10 बटा में 9 ग्रेड के बराबर होता है। और इस बात को आप लोग याद रखिएगा, 1 डिग्री बराबर कितना ग्रेड होता है, नोट कर लीजिए इस बात को। इसका अर्थ हुआ, पहले समझ लीजिए कि डिग्री को ग्रेड में बदलने के लिए 10 बटा 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो डिग्री आपका ग्रेड में बदल जाएगा। डिग्री को ग्रेड में बदलने के लिए, ग्रेड में बदलने के लिए 10 बटा 9 से गुणा किया जाता है। मतलब कि टू कन्वर्ट डिग्री इंटू ग्रेड, डिग्री इंटू ग्रेड मल्टीप्लाई विथ 10/9। इसके जस्ट उल्टा भी बात कर सकते थे कि ग्रेड को डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 9 बटा 10 से गुणा कर देंगे। बात याद रखिएगा कि ग्रेड को डिग्री में बदलने के लिए, डिग्री में बदलने के लिए 9 बटा 10 से गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, गुणा करें। जैसे ही 9 10 बटा 9 से गुणा कीजिएगा ना, तो ग्रेड जो होगा वह डिग्री में बदल जाएगा। ऊपर का बात आप लोग लिख लिए होइएगा, थोड़ा सा बात को समझिए। एक एग्जांपल देते हैं, देखिए इतना मिटा देते हैं। मान लीजिए कि हम आपसे क्वेश्चन एक देते हैं कि 60 डिग्री बराबर कितना ग्रेड होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को परीक्षा में पूछ सकता है 60 डिग्री बराबर कितना ग्रेड होता है। तो हम कहेंगे डिग्री को देखिए किसे बदलना है, ग्रेड में बदलना है। तो डिग्री को ग्रेड में बदलने के लिए क्या करना है आपको, 10 बटा 9 से गुणा करना है।
10 बटा 9 से, तो 60 डिग्री बराबर 60 गुने 10 बटा में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से अपट जाएगा, 3 बार में 3 से अपटेगा 20 बार में, 20 दहा में 200 हो जाएगा, अब बटा में 3 हो जाएगा, इतना ग्रेड आपका हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस ढंग से आप डिग्री को ग्रेड में बदल सकते हैं। अगर हम आपको कहते हैं कि ग्रेड को डिग्री में बदलिए, जैसे मान लीजिए कि 100 ग्रेड बराबर कितना डिग्री होगा, हम आपसे पूछ लेते हैं 100 ग्रेड में कितने डिग्री होते हैं, तो देखिए समझिए ग्रेड को बदलना है कहां डिग्री में, तो ग्रेड को डिग्री में बदलने के लिए क्या करें, 10 बटा 9 से मल्टीप्लाई करें, तो 100 ग्रेड है ना, इसको 100 गुणे 10 बटा 9, 10 बटा में 9 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 बटा 10 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 0 0 आपका कट गया, यहां भी 9 बटा 10। अब समझिए इसको हल कीजिएगा, तो 10 9 90 डिग्री हो जाएगा, तो 100 ग्रेड बराबर आपका क्या हो गया, 90 डिग्री होता है, निकल जाएगा इस ढंग से। फिर से बात को समझ लीजिए, देखिए डिग्री को ग्रेड में बदलने के लिए क्या करना है, 10 बटा 9 से गुणा करना है, और ग्रेड को डिग्री में बदलने के लिए क्या करना है, 9 बटा 10 से गुणा करना है, यही तो बात सिर्फ याद करना है। अब आपसे कह दिया जाए कि 120 डिग्री को आप ग्रेड में बदलिए कि कितना ग्रेड होगा, तो देखिए ग्रेड में बदलने के लिए क्या करेंगे कि 10 बटा 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 120 डिग्री बराबर 120 गुने 10 बटा में 9 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यह हल कीजिएगा, जितना आएगा उतना ग्रेड आपका आंसर हो जाएगा। इस ढंग से ग्रेड को डिग्री में, चाहे डिग्री को भी ग्रेड में हम लोग बदल सकते हैं। अगर हम आपसे कहते हैं कि 135 डिग्री बराबर कितना ग्रेड होगा, तो देखिए 135 में क्या करना है आपको कि 10 बटा 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 से इसमें भाग लगाइए, 9 एक बार में और 9 5 45 15 दहा में 150, 150 डिग्री आपका ग्रेड आपका हो जाएगा, मतलब 135 डिग्री जो होता है वह 150 ग्रेड के क्या होता है, बराबर होता है। इस तरह से डिग्री को ग्रेड में, चाहे ग्रेड को डिग्री में आपको बदलने आना चाहिए कि कैसे बदलना चाहिए। अब इस बात को आप लोग उतार दीजिए, अब आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आसानी हो जाएगी उतारने में। ओके, चलिए अगला पार्ट देखा जाए। तीसरा सिस्टम जो था वह था आपका सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम का हेडिंग बनाइए। एकदम एंजॉय करते हुए घर पर रहिए और पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। देखिए सर्कुलर सिस्टम तीसरा नंबर, सर्कुलर सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें कोण की माप रेडियन में की जाती है, सर्कुलर सिस्टम कहलाता है। सेक्साजेसिमल में डिग्री में मापा जाता है, सेंटीसिजिमल में जो है आपको ग्रेड में मापा जाता है, और इस सिस्टम में किस में, रेडियन में मापा जाता है। व्हेन एंगल, डिग्निशन भी लिख देते हैं, व्हेन एंगल इज मेजर, इन रेडियन, देन द सिस्टम इज कॉल्ड, सिस्टम इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। हिंदी में भी लिख लीजिए कि जब कोण की माप रेडियन में की जाती है,
रेडियन में की जाती है तो ऐसी पद्धति वृत्तीय पद्धति कहलाती है। वृत्तीय पद्धति कहलाती है। ओके, समझिए कि रेडियन कहते हैं किसको, रेडियन का परिभाषा हमने लिख दीजिए। द एंगल मेड बाय ए पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, एट द सेंटर ऑफ सर्किल when arc equal to its radius, when arc equal to its radius, is known as मतलब कि त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा किसी पार्टिकल के द्वारा सर्कुलर पथ के सेंटर पर जो कोण बनता है उसे हम लोग रेडियन कहते हैं। किसी पार्टिकल द्वारा, किसी कोण द्वारा, किसी कोण द्वारा वृत्त के त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण वन रेडियन कहलाता है। वन रेडियन कहलाता है। इसे आप लोग पहले नोट लिख कर लीजिए तो समझा देते हैं। ओके, इस बात का आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो लिखने में आसानी हो जाएगी आपको। ओके, वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यह जानना हमें जरूरी है कि बच्चों को जो है पढ़ाई समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आप लोग कमेंट में करके आप अपना वीडियो को राय देते रहिएगा कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो देखिए समझिए इस डेफिनेशन को कि क्या हम लोग कहें। हम कहे हैं कि किसी पार्टिकल के द्वारा, किसी कण के द्वारा यह सर्कुलर पथ हो गया। इस सर्कुलर पथ का मान लीजिए कि रेडियस हो गया इतना आर, ओ से ए रेडियस क्या हो गया आर। अब आर रेडियस के बराबर ही इस पर चाप ले लीजिए, ए से बी तक उतना ही चाप है जितना किसका रेडियस है। तब सेंटर पर जो कोण बनेगा इस रेडियस के बराबर चाप द्वारा, इस सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसे हम लोग वन रेडियन कहते हैं। वन रेडियन कहते हैं। अगर 5 सीएम त्रिज्या है तो 5 सीएम त्रिज्या के बराबर एक चाप लीजिए या तब सेंटर पर जो एंगल बन गया उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, वन रेडियन कहते हैं। वन रेडियन जो होता है, वन रेडियन इज इक्वल टू 180 बटा में पाई होता है, जो कि एक कांस्टेंट मान होता है, अचर मान होता है। यह एक अचर होता है, रेडियन एक अचर कोण है। प्रूफ कीजिए, मान लीजिए आपसे कह देता है तो समझिए इस बात को, इसको मिटा देते हैं। उदाहरण लिया भैया, क्वेश्चन लिख देते हैं कि प्रूव दैट वन रेडियन
अचर कोण, रेडियन एक अचर कोण है। सिद्ध करें कि एक रेडियन बराबर होता है 180 बटा में पाई। समझिए कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत इजी है। मान लीजिए कि यह कोई द्वितीय पद हो गया, इसका रेडियस जो है आर है, ओ से ए तक कोई पार्टिकल इस त्रिज्या के बराबर चल करके ए से बी तक आता है, तब सेंटर पर कोण बनता है। उस कोण को हम लोग कहेंगे क्या, वन रेडियन, क्योंकि रेडियन का परिभाषा करता है कि त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा जो सेंटर पर जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको वन रेडियन कहते हैं। अगर यहां तक सीधा यह लाइन पूरा ले लेते, बढ़ा लेते हम लोग सी तक आ जाते, इस पूरा चाप को ले लेते, तब आपका जो इस पर एंगल जो बनता वह पाई रेडियन के बराबर बनता है, पाई के बराबर बनता है। अब इस बात को समझिए तो कि फ्रॉम ज्योमेट्री, ज्यामिति से, 10th क्लास में आप लोग ज्यामिति पढ़े होइएगा, ज्यामिति से देखिए, ज्यामिति से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ए ओ बी आप लिखते हैं पूरा कोण में तो इसका चाप है आपका ए बी, और पूरा यह कोण ले लेते हैं ए ओ सी तब आपका चाप हो जाएगा ए सी। इसका रेशियो हमेशा आपस में बराबर होता है। ज्योमेट्री कहता है कि एंगल ए ओ बी बटा में, देखिए ए ओ बी इतना लिए, फिर पूरा ले लीजिए ए ओ सी, ये पूरा हो गया। एंगल ए ओ सी का रेशियो जो होता है वह चाप ए बी, ऐसे चाप ए बी को, आर्क ए बी को ऐसे चाप लिखा जाता है, इसको पढ़ेंगे आर्क ए बी चाहे चाप ए बी हिंदी में, बटा में चाप ए सी, आर्क ए सी के अनुपात से क्या होता है, बराबर होता है। अब बात देखिए ए ओ बी का मान आपका वन रेडियन है, मान रख लीजिए ए ओ बी का मान कितना है, वन रेडियन, और ए ओ सी का मान पूरा मान जो है पाई के बराबर है, पूरा मान 180 डिग्री के अगर बराबर करते हैं तो 180 डिग्री लिखेंगे। इसके बाद में यह मान जो था चाप ए बी वो तो आर रेडियस के बराबर था, तो इसको हम लोग आर कहेंगे, ये पूरा एंगल अगर देखेंगे डिग्री में 180 डिग्री के बराबर, यह रेडियस हो गया आपका आर। अब पूरा यहां से यहां तक अर्धवृत्त न हो गया, अर्धवृत्त की परिधि आप जानते हैं कि पाई आर के बराबर, तो इसको चाप एसी को हम लोग क्या कहेंगे कि पाई आर हो गया, तो आर आर तो आपका कट जाएगा, तो वन रेडियन बराबर क्या होगा कि वन रेडियन बराबर निकालिएगा तो 180 जाएगा ऊपर अबाटा में पाई, 180 अबाटा में क्या हो जाएगा पाई। देखिए 180 भी एक कांस्टेंट है और पाई भी एक अचर अचर मान है, इसलिए 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई एक अचर कोण होता है, यह एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब 180 बटा पाई जो होता है एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब हम कह सकते हैं कि 1 रेडियन जो होता है अचर कोण होता है। हमारे समझ से अब आपको यह प्रूफ करने आ जाएगा, उतार लीजिए इसको। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल एंजॉय के साथ आप लोग पढ़ते रहिए, मन लगा करके पढ़ना बहुत जरूरी है, तब आप लोग यह उम्मीद रखिए कि लॉकडाउन के बाद फिर क्लास जो है रेगुलर शुरू होने दीजिए, आप देखिए कि मैं आपको किस ऊंचाई तक ले जाता हूं, लेकिन अभी आप लोगों को सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। सुरक्षित रहते हुए अभी क्लास आप लोग करते रहिए और मेहनत अपना करते रहिए घर पर। चलिए इस उतार लिए हुएगा, देखिए आगे की बात बोलते हैं। दो बात आप लोग अब नोट करके फिर लिख लीजिए, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए टू कन्वर्ट रेडियन
इनटू डिग्री, रेडियन को डिग्री में मल्टी डिग्री बदलने के लिए मल्टीप्लाई विथ बाई 180 बटा में पाई, 180 बटा में पाई से हम लोग गुणा करें, मतलब कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए नोट कीजिए इसे, नंबर टू में लिखी है इसी का जस्ट उल्टा कि टू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन, डिग्री इंटू रेडियन मल्टीप्लाई विद 100 पाई बटा में 180, मतलब कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। चार बात तो याद नहीं आपको रखना है, डिग्री को ग्रेड में बदलना है तो 10 बटा 9, ग्रेड को डिग्री में बदलना है तो 9 बटा 10, रेडियन को डिग्री में बदलना है, रेडियन को डिग्री में बदलना है अगर आपको तो 180 बटा पाई, और डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल कुछ ले देते हैं, मान लीजिए कहा जाए कि 105 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, डॉट डॉट रेडियन रेडियन, उसी ढंग से 25 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, रेडियन आपको बताना है, -56 डिग्री बराबर कितना आपको रेडियन होता है, और भी देखिए कि 7 डिग्री 30 मिनट बराबर कितना रेडियन होता है, और एग्जाम्पल देते हैं 40 डिग्री 20 मिनट बराबर कितना रेडियन होता है। मान लीजिए कि इन सब क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना है, तो समझिए एक क्वेश्चन बना लेते हैं, आप ऊपर का मिला देते हैं, ओके। देखिए 105 डिग्री को रेडियन में बदलना है, 105 डिग्री है, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करें, तो 105 गुने पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर दें। अब आप कटाइए, 5 से कटा दीजिए, 5 से 21, 5 से कटाइए, 5 3 है 15, 5 6 30, इसके बाद 3 से कटाइए, 3 7 21, 3 से 12 किया 36, तो 7 पाई बटा में 12 रेडियन आपका हो जाए। इस ढंग से आप जो है डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं, तो यह उसी ढंग का यह भी है, 56 डिग्री भी आप बना लीजिएगा, एक यह बना देते हैं आपको ताकि आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। देखिए 7 डिग्री 30 मिनट है, 7 डिग्री 30 मिनट है, पहले क्या कीजिए इसको कि सबको डिग्री में बदल दीजिए, तो 7 जे के 3 रखेंगे प्लस 7 के जे के 3 में रखिए, अब मिनट को डिग्री में बदलने के लिए हम क्या कहें कि मिनट को डिग्री में जब बदलना होगा तो उसमें 60 से भाग दे देना है, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड आपसे कहे थे और 1 डिग्री बराबर भी 60 मिनट आपसे कहे थे, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट कहे थे, तो जब भी देखिए कि मिनट में दिया हुआ है कोई मान तो उसमें 60 से भाग दीजिएगा और डिग्री में बदल जाएगा। तो देखिए यह 7 जन के 3 तो रह गया ना, इसको 30 हमें 60 से आप भाग दे दीजिएगा, तो
30 से भाग दीजिएगा तो 1 बटा 2 हो जाएगा। तो 1 बटा 2 आपका भाग लगाने पर इतना हो गया। तो अब आप इसको हल करके देखें तो 7 बटा में 2 हो गया कि नहीं हो गया, बराबर 7 बटा में 2 हो गया। ओके 7 बटा 2 नहीं, 7 डिग्री और आधा डिग्री जोड़ दीजिएगा तो जोड़ना था ना, 7 प्लस 30 बटा में 60, ये डिग्री में पूरा बदल गया। 30 दूनी 60 हो गया, 15 बटा में 2 डिग्री हो गया। अब इसको आप रेडियन में बदलने के लिए क्या करना है, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 15 बटा में 2 उन्हें पाई बटा में 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 12 बार में कटेगा और पाई बटा में 12 दूनी हो जाएगा आपका 24 रेडियन। समझ गए भैया, जो भी आपको यह मिनट में दिया हुआ होगा, 7 तो डिग्री में पहले से है, इसको भी डिग्री में बदल करके इसके साथ जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो पूरा मान आपका डिग्री में बदल जाएगा और डिग्री में जब बदल जाएगा तो 5 बटा 180 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को भी आप लोग स्वयं ट्राई कीजिएगा और एक क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, उतार दीजिए इसको। अब समझिएगा एक क्वेश्चन कितना मिला देते हैं नीचे में। मान लीजिए कि रेडियन को डिग्री में बदलना है। क्वेश्चन जैसे समझिए कि 7 पाई बटा में 6 बराबर कितना डिग्री होगा, एक क्वेश्चन है आपका। 5 पाई बटा में 3 बराबर कितना डिग्री होगा, और इसे देखिए माइनस 5 पाई बटा में 24 इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, माइनस 2 पाई बटा 3 बराबर कितना डिग्री होगा, ये डिग्री में आपको बदलना है। एक बदल देते हैं, सब बदल दीजिएगा आप लोग। मान लीजिए कि इसी को हम रूल बनाते हैं, 5 पाई बटा में देखिए 3 दिया हुआ है, तो ये तो पाई मतलब दिया हुआ है तो समझिएगा कि रेडियन में दिया हुआ है। अब आपको डिग्री में बदलना है, तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुणा करें, आपको बता दें ही मल्टीप्लाई से करना है। तो 5 पाई बटा में 3 गुणे 180 बटा में पाई, पाई पाई आपका कट गया, 3 6 18 60 बार में कटेगा, 6 5 300 डिग्री हो जाएगा, 300 डिग्री हो जाएगा। इस ढंग से रेडियन को डिग्री में, चाहे डिग्री को रेडियन में, ग्रेड को आप डिग्री में, ग्रेड डिग्री को भी आप ग्रेड में बदल सकते हैं। समझ गए भैया, एक क्वेश्चन अब आप लोग को जनरल समझाते हैं। हम आपसे मान लीजिए कि पूछते हैं 2 पाई बटा में 3 बराबर कितना ग्रेड हो गया, ग्रेड में हम पूछ देते हैं, तो ये देखिए रेडियन में दिया हुआ है और हम आपसे पूछे कि ग्रेड में इसका मान क्या होगा। तो पहले आप जैसे ही रेडियन में होगा उसको डिग्री में बदल दीजिएगा, डिग्री को फिर ग्रेड में बदल दीजिए। तो इसको डिग्री में बदलने के लिए क्या करना है, 180 बटा में पाई से गुणा करना है, पाई पाई कट जाएगा, 3 6 18 और 60 दूरी 120 डिग्री हो जाएगा और डिग्री में आप बदल दीजिए। तो डिग्री को ग्रेड में बदलने के लिए 10 बटा 9 से गुणा, 120 गुणे 10 बटा में 9 गुणा करेंगे, डिग्री के 9 3 से 40 हो जाएगा, तब 400 बटा में 3 ग्रेड आपका मान हो जाएगा। इस ढंग से चाहिएगा तो रेडियन को भी आप ग्रेड में बदल सकते हैं। ओके, अगर आपसे कहा जाए कि 400 बटा में 3 ग्रेड को आप सब रेडियन में बदल के दिखाइए, तो देखिए इसी को हट के बनाते हैं कि 400 बटा में 3 ग्रेड बराबर कितना आपका रेडियन होता है, कितना रेडियन होता है आप बताइए। तो देखिए पहले इसको डिग्री में बदल देंगे, तो 400 बटा में 3 है, डिग्री में बदलने के लिए क्या करें, 9 बटा 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 बटा 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह मान आपका डिग्री में बदल गया, 0 0 आपका कट गया, 3 3 के 9 हो गया, जबकि यही 120 डिग्री आ गया। अब 120 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से कहे हैं कि गुणा कर दीजिए, तो 180 से गुणा कीजिएगा तो 0 0 कटेगा, देखिए
तीन चौ के बारह छह से घटाइए छह दूनी बारह और छत्तीस अठारह तो टू पाई बटा में थ्री रेडियन हो गया कि नहीं। देखिए यहाँ से भी यह माना गया और यहाँ से भी यह माना गया ग्रेड वाला का नहीं। अब आप लोग इस बात को आज के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि रेडियन डिग्री आपका शतांशक प्रतिशत सड़सठ दशांशक प्रतिशत प्लस सिस्टम रेडियन किसका मात्रक है तो रेडियन कोण का मात्रक है एसआई यूनिट होता है। रेडियन एसआई यूनिट होता है कोण का वह एक अचर कोण होता है जो कि 180 बटा पाई के इक्वल होता है। तो अब आप लोग इन बातों को नोट कर लीजिए पहले तो आप लोग इसको उतार दिए होइएगा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ओके। अब आप लोग समझिए मन लगा करके घर पर पढ़ते रहना है ताकि आप लोगों को आगे कोई बात समझने में दिक्कत न हो। रेगुलर क्लास करते रहना जरूरी है। रेगुलर जब तक से मैथमेटिक्स या फिजिक्स का क्लास नहीं होगा तब तक से बातें जो है समझ में नहीं आएगी। इसलिए वीडियो जैसे ही डालते हैं उसमें आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया इसका कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखते हैं तो हम समझेंगे कि आप जो है वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तभी ना बुझाएगा कि आप रेगुलर जो है वीडियो देखते हैं। तो कमेंट भी आप लोग करते रहिए मेरे व्हाट्सएप में भी जो है आप लोग सूचना देते रहिए कि पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं ओके। तो आज के लिए इतना ही अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ओके।